Hello students, welcome once again to the web classes. Today again we are going to see the subject accounts. Unit number 5 of part 2, the name of chapter is accounting ratio and analysis for the 12th commerce English medium. Now, so far we had completed gross profit ratio. Now, today we are going to see operating ratio. Now, what is the meaning of operating ratio? So, operating ratio discloses the relation of operating cost and sales. So, what is the meaning? So, operating ratio is a relation between operating cost and sales. So, operating ratio is expense based ratio. This ratio shows the proportion of operating cost to the sales. ठीक है कि ये expense based ratio है कि हम जो sales कर रहे हैं वो sales में total हमारा expense कितना होता है, है ना? तो एक क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि प्रोडक्शन एक्सपेंस है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अब ये क्वेश्चन आता होगा साला ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर incurred for operating activities of business, where office expense means administrative expense, sales and distribution expense, employee benefit expense, depreciation and amount written off etc. are included. So, I am repeating it again, what things are included in operating expense. So, in operating expense there is administrative expense, sales and distribution expense, employee benefit expense, depreciation and amount written off on invisible assets are included. तो अगर ये expenses आप add कर देते हो cost of goods sold में, so that will become your operating expense. Sorry, that will become your operating cost. Okay, now. अब बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस बेस्ड रेशियो है तो ये बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए. बट ऑब्वियस है ये घटना चाहिए, है ना. देखो ये नोट मुझे बहुत पसंद आया जब बुक में मैंने पढ़ा. तो टू अवॉइड डायलमा ऑफ स्टूडेंट्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम शुड बी क्लियरली स्टेटेड. मतलब आपको सदमे से बचाने के लिए इस बुक को फॉर्म करने वाले ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम दोनों अलग अलग ही लिखा हुआ है, तो हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी. ओके, देखते हैं इसके फॉर्मूलाज क्या है. सो इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. अब इनटू 100 है तो इसका आंसर कैसा होगा. इसका आंसर जो है वो परसेंटेज में होगा, है ना. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. सो दिस रेशियो एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी, द बिजनेस इन विच the unit is engaged. For example, a company manufactures and sells textile would acquire information about production cost of textile if production cost is more than predetermined cost. Necessary efforts are to be taken to control it. समझ में आया. कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग रेशियो अगर फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उससे परसेंटेज पता चलेगा कि भाई इतना परसेंट हमारा एक्सपेंस हो रहा है. ठीक है, तो अगर हमने वो जो पहले डिटरमाइन किया हुआ कॉस्ट है, या मतलब पहले हमने जो सोचा है कि इतना खर्चा होगा, अगर उससे भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो हम उसे कंट्रोल करने के नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं. ट्रेंड कैसा फेवरेबल है, तो बट ऑब्वियस है एक्सपेंस बेस्ड रेशियो है तो इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो फेवरेबल होगा. द डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ दिस रेशियो इज फेवरेबल. ओके, सो काम की इन्फॉर्मेशन क्या है. काम की इन्फॉर्मेशन है ये ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, और दूसरा काम की इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है. तो उसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिशिएशन, अमाउंट रिटर्न ऑफ एटसेट्रा आर इंक्लूडेड. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद एन एग्जाम्पल. नाउ Illustration 5. From the following information, calculate operating ratio of E Company Limited. Cost of goods sold is clearly given 480,000. Operating expense bhi diya hua hai 120. Financial expense is 1 lakh. Financial expense jo hai ignore kiye jaate hain, hai na?
and sales is 8 lakh. Okay, so our formula is operating ratio is equal cost of goods sold plus operating expense divided by net sales. है ना, आँख बंद करो, मन में सोचो फॉर्मूला, या फिर वीडियो पॉज करो और बिना देखे फॉर्मूला लिखो. हाँ, जितना लिखोगे ना उतना आएगा आपको. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 480 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 120. सो टोटल इट बिकेम 480 प्लस 120, 6 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, दैट इज 75%. सो 75% ये क्या है हमारा? सो 75% इज आर ऑपरेटिंग रेशियो. मतलब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो रहा है, मतलब सेल्स अगर आप कर रहे हो तो सेल्स में 75% तो आपका खर्चा है. समझ में आ रहा है? नाउ फाइनेंशियल एक्सपेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था. सो होपफुली ये क्लियर है आपको. नाउ इलस्ट्रेशन 6 देखिए. इलस्ट्रेशन 6 में क्या कह रहे हैं? सो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ के एंड कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ 2 ईयर्स. तो 2016 और 2017 दो इन्फॉर्मेशन दी है. सेल्स दिया हुआ है तो ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, सेल्स दिया हुआ है. नाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ऑल्सो गिवन टू यू. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यस ये आएगा. सेल्स एक्सपेंस, यस ये भी आएगा. डेप्रिसिएशन, यस ये भी आएगा. फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये नहीं आएगा. इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये भी नहीं आएगा. अदर एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग, ये भी नहीं आएगा. तो ये तीन चीज़ें आएगी. ठीक है, 1 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख 2016 के लिए. क्लियर है? देखिए इसका कैलकुलेशन. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड कर रहे हैं तो देखिए 1,250,000 and 1,00,000. होपफुली आपको क्लियरली समझ में आ रहा है. तो 2017 और 16 दोनों का हमने फाइंड किया. 2016 का आता है 450 और 2017 का है 5,50,000. ठीक है, नाउ द फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इन टू 100. नाउ दिस कैलकुलेशन इज फॉर 2016 एंड दिस इज फॉर 2017. नाउ एंटायर इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वॉज 750 and 9 lakh, ओके रिस्पेक्टिवली. सो सी ये 750 and 9 lakh ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने अभी भी फाइंड किया और सेल्स से हमने डिवाइड किया. तो इस तरह से ऑपरेटिंग रेशियो आ रहा है 80% और 2017 का है 72.5%. अब देखो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिक्रीज है या इंक्रीज है? सो एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर देयर इज डिक्लाइन, है ना, डिक्रीज है. अगर डिक्रीज है तो इसे हम कहेंगे कि परफॉर्मेंस इज गुड, कंपनीज परफॉर्मेंस इज गुड. सो होपफुली यू आर गेटिंग दिस. नाउ लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 7. सो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एफ लिमिटेड कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो. नेट सेल्स इज गिवन 28 लाख. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ऑल्सो गिवन 18 लाख. सैलरी ओके, तो ये दो चीज़ें तो हमें मिल गई. अब हमें फाइंड क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें सैलरी इंक्लूड होता है? यस होता है. ठीक है, लेट मी लेट हैव डिफरेंट कलर. सैलरी उसमें इंक्लूड होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये भी इंक्लूड होता है. सेल्स एक्सपेंस भी इंक्लूड होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड नहीं होता. लॉस ड्यू टू फायर ये भी इंक्लूड नहीं होता. इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इंक्लूड नहीं होता. तो सर सिर्फ दो चीज़ें इंक्लूड होगी, 120, 180, 3 चीज़ें 120, 180 and 150. सो ये हो गया हमारा. देखिए ये तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया. ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100. नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरी, एडमिन एक्सपेंस और ये, तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी. अब फॉर्मूला अप्लाई किया. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 18 लाख जैसा कि दिया हुआ था. ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये 450 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स 28 लाख इंटू 100. द आंसर इज 80.36%. द आंसर इज 80.36%. सो होपफुली यू आर गेटिंग दिस, है ना. जो भी समझ में आ रहा है ना, दो दो बार करना है, ध्यान रखना. तो अभी अभी ये लेक्चर जो फिनिश हुआ, ठीक है, इसमें आपका होमवर्क अभी तक कितना हो जाता है? तो इलस्ट्रेशन 1 से लेकर के आपको 7 तक कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज में सम नंबर 4 और 5 भी है जो आपको कंप्लीट करना है. ओके, नाउ अभी भी इस लेक्चर के लिए मेरे पास टाइम है तो मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी हम देख लेते हैं. ये होमवर्क तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा और अभी मैं लेक्चर के एंड में फिर उससे आपको वापस होमवर्क लिखवा दूंगा. तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या है. तो इसके आगे है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है? तो देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताओ, सबसे बेस्ट फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, ये इसका है सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला यही है. ठीक है, फिर भी देख लेते हैं मीनिंग क्या है इसके. सो दिस रेशियो डिस्क्लोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स. दिस इज एन इनकम बेस्ड रेशियो. दिस रेशियो शोज द प्रोपोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू द सेल्स. नाउ व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इज दैट क्लियर? नाउ तो फॉर्मूला हमारा हो गया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स. अब ये है प्रॉफिट रेशियो. तो प्रॉफिट रेशियो है तो ये बढ़ना चाहिए, है ना. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करना. और ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जो कि मेरा फेवरेट है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो. क्या? 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं वो हमने अभी अभी सीखा. देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 है. जैसे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एच लिमिटेड कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सेल्स इज 75,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस 5 लाख. तो हमें करना क्या है? हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना है पहले. तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाएगा, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. फॉर्मूला को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप फाइंड करोगे सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. नाउ ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इन दोनों का प्लस किया तो ये आता है 4,50,000. नाउ सेल्स माइनस 4,50,000, सेल्स इज 7,50,000, 750 माइनस 450 दैट इज 3 लाख. सो 3 लाख इज कॉल्ड योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला एज आई अप्लाइड. ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इन टू 100. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख डिवाइडेड बाई सेल्स 7,50,000 इन टू 100, आंसर इज 40%. सो क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो 40% है, एंड दैट इज गुड. नाउ दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो से फाइंड कर सकते हो. तो ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लो पहले. ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स. तो ये मैंने अप्लाई किया, हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आया 40%. अब 100 माइनस 60 द आंसर इज 40%. सो दिस वे और दैट वे, ठीक है, द आंसर विल बी सेम. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 9, सी द इलस्ट्रेशन नंबर 9. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ जे कंपनी लिमिटेड गिवन बिलो कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ओपनिंग स्टॉक इज 60,000, परचेज इज 5 लाख, परचेस एक्सपेंस इज 20,000, ऑफिस एक्सपेंस इज 5 लाख, इंटरेस्ट पेड इज 15,000, डिविडेंड इज 15,000, डेप्रिशिएशन इज 40,000, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट इज 10,000, सेल्स इज 8 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज 70,000, सेल्स रिटर्न इज 30,000, इनकम टैक्स इज 30%. नाउ सेल्स इज 8 लाख एंड सेल्स रिटर्न इज 30,000. तो नेट सेल कितना हो जाएगा? नेट सेल हो गया हमारा 8 लाख माइनस 30, 7,70,000. ये हो गया हमारा नेट सेल्स. क्लियर? 7,70,000. अब अगर ये समझ में आ गया है तो एक चीज़ देखिए, हमें यहाँ फाइंड करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना पड़ेगा. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आएगा? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस ऑफिस एक्सपेंस तो आता नहीं है, प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंस आता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो देखो क्लोजिंग स्टॉक ये रहा क्लोजिंग स्टॉक. तो उन दो को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा COGS. और अगर हम एक्सपेंस फाइंड करना चाहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड होगा उसमें 50,000, इंटरेस्ट नहीं आता, डिविडेंड नहीं आता, डेप्रिशिएशन यस आता है, तो 40,000 जो है वो डेप्रिशिएशन आ जाएगा, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट नहीं आता. तो इतने ये दो चीज़ें प्लस करोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाएगा. देखते हैं कैलकुलेशन की तरफ, चलिए आ जाइए. तो ये मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला, जैसे कि आप देख सकते हैं. नाउ
ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैसे फाइंड करना है, तो नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नाउ तो फर्स्ट इज नेट सेल्स फाइंड कर लें, तो नेट सेल्स जैसे कि हमने फाइंड किया था 770,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,10,000। दूसरा हम क्या बोलते हैं वो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड करेंगे, जिसमें मैंने बताया था ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड किया जाएगा और डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 90,000। नाउ 90 प्लस 5,10,000 ये हो गया 6 लाख, तो 6 लाख हो गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। नाउ लेट्स फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, एंड द सेल्स इज 7,70,000 और क्या किया मैंने, या नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो नेट सेल्स इज 7,70,000 माइनस 6 लाख, आंसर इज 1,70,000, दैट इज आर प्रॉफिट। नाउ फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला में वैल्यू रखो 1,70,000 डिवाइडेड बाई 7,70,000 इन 200, द आंसर इज 22.08%। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आपका होमवर्क है, कंप्लीट होमवर्क नोट कर लीजिए। वापस से मैं कहता जा रहा हूँ, जो स्टार्टिंग के लेक्चर लिए थे उसकी थियरी करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में लर्न करना है, इलस्ट्रेशन 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट होना चाहिए, और एक्सरसाइज में 4, 5, 6 ठीक है वो कंप्लीट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू।